आइए फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसनमुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। आज मैं आपसे बातचीत करने वाला हूँ कि आप कोई क्षेत्र में आपके जीवन के अलग अलग एरिया में आप कटिबद्ध है, वचनबद्ध है, कुछ रिजल्ट आपको चाहिए और वो क्यों नहीं मिलते उसके बारे में। तो आइए आपका स्वागत है। हमारे यहाँ दो हॉस्पिटल है अकोला में, जहाँ हम लोगों को ठीक करते हैं मेंटल पेशेंट्स को और उनका इलाज करते रहते हैं। हमारा मिशन जो है वह सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसन मुक्त भारत। तो काफी लोग मेरे पास में जब डिप्रेशन के आते हैं कि बोलते मुझे ये चाहिए था, वो चाहिए था, मुझे हासिल नहीं हुआ, वो हासिल नहीं हुआ। फिर जब उनको पूछते कि भाई क्या हो गया, आपको चाहिए क्या था, तो बोलते हाँ मुझे है ना फलाना फलाना अमका अमका डिकरा डिकरा चाहिए था। जैसा बोलते कि नहीं मुझे है ना ऐसा चाहिए था कि मैं कम से कम आने वाले 5 साल में 2 करोड़ रुपए बैंक बैलेंस में रखूं, ताकि मेरा पैसिव इनकम चालू हो जाएगा। और पैसिव इनकम रहा बिना काम का और मुझे बैंक बैलेंस से यदि मेरे को ब्याज आ रहा है, तो फिर मैं जैसी जिंदगी चाहता हूँ वैसी जिंदगी जी पाऊंगा। और वो एक दिन के लिए रुका हुआ है कि वो कब होगा। फिर मैं बोलता हूँ ठीक है, आपकी ऐसी इच्छा है कि 2 करोड़ रुपये मुझे बैंक बैलेंस चाहिए आने वाले 5 साल में मैं करने वाला हूँ, उसके लिए आपने क्या प्लान बनाया, आपने कुछ प्लान बनाया? नहीं, प्लान नहीं बनाया। अच्छा, फिर कोई लोग आते बोलते नहीं नहीं मुझे है ना बहुत बड़ा मकान बांधने का, कम से कम 2 करोड़ रुपये खर्चा आ जाएगा और मैं आने वाले 3 साल में खुद का मकान बांधने के लिए मेरा गोल है, मेरा एम है और वो उसके लिए मैं कटिबद्ध हूँ, वचनबद्ध हूँ, मेरे को वो करने का है। बोलते ठीक है, फिर आपने 2 करोड़ आपका मकान बांधने का, उसके लिए आपने कुछ प्लानिंग किया? या फिर कोई बोलते नहीं मेरे बच्चों को है ना मुझे इंटरनेशनल स्कूल में डालने का है, उसकी इतनी इतनी फी है, वो मेरे को प्लानिंग करने का मेरी इच्छा है वो। या मुझे खुद का एजुकेशन करने का है, खुद को हाईली एजुकेटेड करने का है, डिग्री हासिल करने की है। या फिर मुझे फिट रहने का है, मेरा 10 किलो 20 किलो वजन कम करने के आने वाले 6 महीने में। ऐसा लोग अपना अपना इरादा, अपने अपने गोल्स बोलते रहते हैं। मेन कारण जो है कि वो गोल होते नहीं हासिल या वो करते नहीं है। तो फिर मैं उनको बोलता हूँ बताइए आप करते क्या हो। तो फिर उनको वो प्रेजेंट हो जाता है कि उनके गोल्स ये है और उनकी जो एक्शंस है, जो कृतियाँ हैं, जो कृति है, जो उन्हें काम करना चाहिए, तो वो कृति वो गोल से अनुरूप नहीं है। गोल एक है और कृति दूसरी है। मैं बोलता हूँ कि ये कृति आपकी ऐसी है, इसका मतलब आपके गोल अलग है। जब आपकी कृति अलग है तो आपका गोल अलग है। जैसा फॉर एग्जाम्पल आप मुझसे बोल रहे हैं कि मुझे नागपुर जाने का है, तो नागपुर है ईस्ट के तरफ अकोला से, तो फिर आपकी कृति नागपुर के गाड़ी में बैठ के या नागपुर या कार में बैठ के ईस्ट के तरफ जाना चाहिए और आपका कार का डायरेक्शन ईस्ट के तरफ होना चाहिए। यदि मुझे आपके कार का डायरेक्शन वेस्ट की तरफ देखता है दिखता है, तो मैं क्या समझूंगा कि भाई आपका कार का डायरेक्शन या आप जो ट्रेन में बैठे वो जा रहे वेस्ट की तरफ, इसका मतलब हो सकता है कि आप बॉम्बे जा रहे हैं, मुंबई जा रहे हैं। तो जब आपकी कृति जो है वो अनुरूप नहीं है, जो आप बोल रहे हो उसको, मतलब बोलने में और करने में बहुत फर्क है, इसका मतलब आपका अलग कुछ तो भी एजेंडा है, दिमाग में अलग कुछ तो भी चल रहा है जिसके लिए आप प्रेजेंट नहीं हो। हो सकता है कि उसके लिए आप प्रेजेंट नहीं है। आप बोलते हैं कि मुझे बॉम्बे जाने का है, गाड़ी जा रही नागपुर की ओर, या नागपुर जाना बोलते हैं गाड़ी जा रही मुंबई की ओर, इसका मतलब फिर आपके दिमाग में मुंबई जाने का, नागपुर जाने का नहीं है और उसके लिए आप प्रेजेंट नहीं हो। यदि आपने बोला मुझे दिल्ली जाने का है और दिल्ली में मुझे कल रात को एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग एक व्यक्ति के पास में साथ में है, और यदि आप अभी उठ के यदि दिल्ली का टिकट निकालते नहीं हो, दिल्ली के लिए कोई प्लानिंग करते नहीं हो और आप यदि सोए हुए हो, इसका मतलब आपको दिल्ली जाने का नहीं है, आप सिर्फ बोल रहे हैं। और फिर आप यदि आराम कर रहे हो घर में, कुछ नहीं कर रहे हो, शांति रख के अभी मस्त खा रहे पी रहे सो रहे, बात दिल्ली की कर रहे, इसका मतलब आपका मकसद और कुछ है। और वो देखना पड़ेगा आपका मकसद और क्या है कि जिसके वजह से आप ये कृति कर रहे हो और वो लोगों को मालूम नहीं रहता। तो जैसा बोलना है वैसा चलना है क्या? मराठी में कहावत है कि बोले तैसा चाले त्याची वंदा भी पाऊले। इसका मतलब ये है कि जैसा बोलता है वैसा चल रहा है कि नहीं। बोलने और चलने में, वॉक एज यू टॉक, बोलने और चलने में यदि अंतर है, फर्क है, हमको देखना पड़ेगा इसकी जो चाल है वो कुछ और बोलती है कि कुछ तो भी वो अलग कर रहा है। तो आपको बार 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 ये अभी देखना पड़ेगा कि हमको जो रिजल्ट हासिल करने हैं, तो कोई भी रिजल्ट यदि मुझे हासिल करना है तो मेरी चाल कौन सी है, मेरी कृति कौन सी है,
मैं वो कृति वैसी कर रहा हूं क्या? यदि मैं ऐसा बोल रहा हूं कि मेरे को आने वाले साल भर में मेरा धंधा डबल करना है, मुझे डबल कमाने का है, और मैं सैटरडे संडे घर में आराम करके बैठ रहा हूं और आराम कर रहा हूं, कुछ नहीं कर रहा हूं, एंजॉय कर रहा हूं हर सैटरडे संडे, तो फिर मेरी जो कृति है वो डबल धंधा करने की है क्या? कि आराम करने की इच्छा है और आपका उद्देश्य आराम करने का है, जीवन आराम से जीने का है क्या? तो आपकी कृति बोलती है कि नहीं, आपका जीवन जो है वो आराम से जीने का जीवन है, आपका आराम से जीने की इच्छा है, ना कोई डबल करने की। बोल रहे हैं आप कि मेरे को धंधा डबल करने का है, तो ऐसा होते नहीं है। बार बार आपको ये देखना है, जब भी कभी आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, जो भी क्षेत्र में आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे, आपको ये देखना पड़ेगा कि मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसा कर रहा हूँ क्या? मेरी कृति क्या दर्शाती है? मेरी कृति क्या बोल रही है? मेरी चाल क्या बोल रही है? और वो यदि अलग बोलती है, वो यदि कंसिस्टेंट नहीं है जो आप बोल रहे हैं उससे, तो फिर आपको आपकी एक्शन बदलनी पड़ेगी। और यदि आप एक्शन बदलेंगे तो आपको जैसे चाहिए वैसे रिजल्ट्स डेफिनेटली मिलेंगे। तो आपको मुझे इतने बोलना था कि रिजल्ट्स आपको चाहिए तो बार 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 आपके कृति को देखो, आपके एक्शंस को देखो, आपके चाल को देखो, आपके होने में देखो क्या हो रहा है, तो आपको डेफिनेटली पता चलेगा कि रिजल्ट्स क्यों नहीं मिल रहे। और वैसे आप यदि बदल करते तो आपका आपका जो यश है, आपकी सफलता है, वो डेफिनेटली आपको मिलेगी। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक यू वेरी मच।